नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेल्फ डिफेंस एंड हेल्थ। दोस्तों, पहले तो 15 अगस्त की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो एक ऐसे मकसद पर है और मैंने ऐसे मकसद पे इसको बनाया है कि आने वाले टाइम में कोई भी लड़का या कोई भी छिचोरा हमारी माता बहनों को ना छेड़े। पहली बात दोस्तों, आज हमारे भारत हमारा जो देश है त्योहारों का देश है। हमारे देश में ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं और हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस में लड़कियाँ जो कि नॉर्मली होता है कुर्ता पजामा और चुन्नी पहनती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या पता है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों के साथ जो छेड़ाछाड़ी होती है उसमें चुन्नी को कभी आगे से खींचा जाता है, कभी पीछे से खींचा जाता है और कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे करके खींच लिया जाता है। आप मैक्सिमम न्यूज़ चैनल पे भी देखेंगे तो हमारे देश में 40% केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसमें लड़कियों के साथ बदतमीजी या लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्शमेंट टाइप का काम हो रहा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं लड़कियों को प्रोटेक्ट कर सकूं, लड़कियों को इतना समझा सकूं कि वो अपने आप का सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें। तो दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर लड़की को कोई छेड़ने की कोशिश करता है या उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश करता है तो कोई भी लड़की अपने आप का डिफेंस कैसे कर सकती है और उस बंदे को कैसे पकड़ सकती है, ये मैं आपको बताता हूँ अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इनका दुपट्टा आगे से पकड़ा, ये मैंने दुपट्टा आगे से पकड़ा और इन्होंने इस हाथ से पकड़ के मुझे खींचा। खींचते ही इन्होंने फिर मेरे आउटर सिल पे मारा और मुझे फंदा बना के नीचे की तरफ गिराया। तो आप देख सकते हैं, ये टेक्निक अगर आपको आती है या आप इसको समझ सकते हैं तो कोई भी अगर आपकी दुपट्टा या चुन्नी आगे से खींचेगा तो आप उससे बच सकते हैं और वहाँ से रिलीज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप अपने आप को अगर कोई पीछे से दुपट्टा पकड़ता है तो कैसे रिलीज़ करा सकते हैं। इस वीडियो में देखिए, मैंने इनको पीछे से पकड़ा, पीछे से पकड़ने के बाद इन्होंने मुझे आगे की तरफ खींचा और मेरी तरफ गुड़ी और मेरे पहले गर्दन पे मारा, मुंह पे मारा और मेरे को अलग किया। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसे पीछे से चुन्नी या दुपट्टा पकड़ता है और अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप आसानी से वहाँ से बच के जा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि इन्होंने मेरे को, जब मैंने इनकी चुन्नी बीच में से पकड़ी तो इन्होंने अपने आप को मुझसे कैसे रिलीज़ कराया। अब कैसे रिलीज़ कराया ये तो आपको रुचि ही बता सकती है, तो प्लीज़ रुचि आप बताइए आपने कैसे कराया। इस टेक्निक में जब मैंने चुन्नी इस तरह से ली हुई है और इस बंदे ने मेरी चुन्नी बीच में से लेने की खींचने की कोशिश की तो इसमें मैंने टेक्निक के साथ एक टेक्निक भी अपनाई। जब इन्होंने मेरी चुन्नी खींची तो मैंने चुन्नी को इस तरह खींच के हल्का सा स्माइल दिया ताकि इनका ध्यान जो है वो भटक जाए और उसके बाद मैं इनके पीछे जाके इनको मैंने इस तरह से धकेलने की कोशिश की।